तो दोस्तों ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि सैमसंग गैलेक्सी A90 में आने वाला स्नैपड्रैगन 855 का SoC साथ ही इन डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी A90 के बारे में बताऊंगा क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फ़ोन में, क्या होने वाला है इसका कन्फर्म प्राइसिंग और रिलीज डेट। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं इस फोन के डिज़ाइन से। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने को मिल जाएगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है। साथ ही आप लोगों को बैक साइड में ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के फ्रंट पैनल के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 6.7 inches की एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। साथ ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और इन डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 855 का SoC देखने को मिल जाएगा जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। साथ ही आप लोगों को एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही सैमसंग की खुद के UI One UI का इंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों को 6128GB और 8256GB के दो मॉडल देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस फोन के रियर कैमरास के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसका मेन सेंसर है वो होगा 48 मेगापिक्सल का, जिसमें आप लोगों को सोनी IMX586 का सेंसर देखने को मिल सकता है। साथ ही आप लोगों को 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 8 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। साथ ही आप लोगों को इन डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 3700mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी और आप लोगों को 45W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है और आप लोगों को टाइप सी पोर्ट 3.5mm ऑडियो हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस आप लोगों को अराउंड 30,000 देखने को मिल जाएगी, यानी कि 30,000 की रेंज में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 855 का SoC देखने को मिल जाएगा। साथ ही इन डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एक सुपर एमोलेड पैनल। तो नीचे कमेंट जरूर से करिएगा कि अपनी प्राइसिंग के हिसाब से फ़ोन कैसा है। और अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में। तो ये आप लोगों को जरूर से अगस्त महीने में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर बस नहीं, अगर जो आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। सो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।